साइकिल. ओके क्लियर एवरीवन. लास्ट टाइम हमने सब कुछ देख लिया कि कैसे फोटो ट्रांसडक्शन होता था. आज हमारा मेन कंसेप्ट है विजुअल साइकिल. तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय विजुअल साइकिल? तो सबसे पहले हमें समझना है रोडोप्सिन. ओके हम केवल रोड्स में देखेंगे कि विजुअल साइकिल कैसे बनती है, फिर इसको हम अपने आप समझ लेंगे कि कलर पिगमेंट में फोटोन में कैसे बनती है. ओके तो हमारे लिए दो है फोटो रिसेप्टर. कौन से दो रिसेप्टर? एक तो है रोड्स, दूसरा है कोन्स. हमें रोड्स में देखना है कि क्या होता है, फिर कोन्स में हम अपने आप ही समझ जाएंगे. रोड्स में हमें देखना है पिगमेंट कौन सा होता है, रोडोप्सिन. कोन में पिगमेंट कौन सा होता है, कलर पिगमेंट. पिगमेंट कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल सेगमेंट में, रोडोप्सिन. सो व्हाट इज रोडोप्सिन वो हमें देखना है. सो रोडोप्सिन इज एक्चुअली फॉर्म बाय स्कोटोप्सिन प्लस 11 स्विस रेटिनल. तो दो चीजें मिल के रोडोप्सिन बन जाता है. कौन सी दो चीजें? स्कोटोप्सिन प्लस रेटिनल. लेकिन कौन सा रेटिनल याद रखना है आपको? 11 स्विस रेटिनल. तो दो तरह के रेटिनल होते हैं, स्विस रेटिनल एंड ट्रांस रेटिनल. क्लियर? सो रेटिनल दो तरह के है, स्विस रेटिनल एंड ट्रांस रेटिनल. इसका मतलब क्या समझना है? दोनों केमिकली सेम है. ये भी रेटिनल है, ये भी रेटिनल है, दोनों की ज्ञाति एक ही है. ये 11 स्विस रेटिनल है और ये ट्रांस रेटिनल है, लेकिन दोनों रेटिनल है, दोनों केमिकली सेम है, लेकिन दोनों फिजिकली अलग अलग है. 11 स्विस रेटिनल फिजिकली अलग फॉर्म है, ऑल ट्रांस रेटिनल फिजिकली अलग फॉर्म है. दोनों रेटिनल है लेकिन दोनों फिजिकली अलग अलग है. स्कोटोप्सिन के बारे में आपको ये समझना है कि स्कोटोप्सिन ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो ओनली एंड ओनली बाइंड विथ 11 स्विस रेटिनल एंड नॉट बाइंड विथ ट्रांस रेटिनल. तो दोनों सेम है, दोनों एक ही ज्ञाति के है, लेकिन इसका फिजिकल स्ट्रक्चर इसके साथ सुटेबल है, तो स्कोटोप्सिन और 11 स्विस रेटिनल का इमीडिएट बाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन स्कोटोप्सिन और ट्रांस रेटिनल का कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकता. तो आपको याद रखना है 11 स्विस रेटिनल एंड स्कोटोप्सिन इमीडिएटली बाइंड होके आपको बना के देते हैं रोडोप्सिन. तो रोडोप्सिन क्या है आपको क्लियर? अगेन रोडोप्सिन आपका पिगमेंट है, विजुअल पिगमेंट या पर्पल पिगमेंट बोलते हैं. कहाँ पे होता है? रोड्स में होता है, रोड्स के एक्सटर्नल पार्ट में. रोडोप्सिन कैसे बनता है? रोडोप्सिन दो चीज से बनता है, 11 स्विस रेटिनल प्लस स्कोटोप्सिन. स्कोटोप्सिन को हम क्या बोलते हैं? स्कोटोप्सिन प्रोटीन है. हमें समझना है स्कोटोप्सिन प्रोटीन है और क्या होता है 11 स्विस रेटिनल. तो 11 स्विस रेटिनल और प्रोटीन मिलके बनता है रोडोप्सिन. स्कोटोप्सिन प्रोटीन यहाँ पे होगा और 11 स्विस रेटिनल यहाँ पे होगा. हमें आगे समझना है कि 11 स्विस रेटिनल क्या है. तो रेटिनल को हमें समझना है कि वे रेटिनॉल का एल्डिहाइड फॉर्म है. तो नॉर्मली रेटिनॉल होता है और रेटिनॉल का एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा रेटिनाल. क्लियर सबको? तो रेटिनाल इज एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ अ रेटिनॉल. रेटिनॉल को समझना है कि ऑल ट्रांस रेटिनॉल क्या है. तो दिस इज विटामिन ए एंड दिस फॉर्म वी कैन स्टोर. दिस इज द यूनिक थिंग. हमें चाहिए तो रोडोप्सिन, लेकिन रोडोप्सिन को हम बहुत ही बड़ी अमाउंट में स्टोर नहीं कर सकते. सिस रेटिनॉल, स्कोटोप्सिन, इन सबको हम बहुत ही बड़ी अमाउंट में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास विटामिन ए है. विटामिन ए को हम लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हो. कहाँ पे? मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया था. वैसे विटामिन ए स्टोर होता है पिगमेंटेड लेयर में प्लस थोड़ा बहुत रोड्स एंड कोन्स में भी. तो रोड्स एंड कोन्स के ये पार्ट में भी थोड़ा बहुत विटामिन ए स्टोर होता है प्लस पिगमेंटेड लेयर्स में भी विटामिन ए स्टोर होता है. विटामिन ए वेरी एम्पी. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज विटामिन ए डेफिशिएंसी. क्लियर? तो छोटे बच्चों को आपको हमेशा विटामिन ए दे देना है, ठीक है? वैक्सीन की तरह देना होगा, विटामिन ए के डोज देने पड़ेंगे, ठीक है? ओके दैट इज नॉट अ वैक्सीन, पर वैक्सीन के साथ यूजुअली रूटीन में देते हैं विटामिन ए. यूनिट्स में देने पड़ते हैं, इंटरनेशनल यूनिट फॉर्म में. तो ये मत बोल समझना कि छोटे बच्चों को आपको विटामिन ए खिलाते जाना है. वो कभी भी इतना नहीं कवर हो पाएगा. जैसे ही बॉर्न होता है आपको धीरे धीरे उसको, जैसे हम वैक्सीन देते हैं, तो विटामिन ए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसमें किल्ड बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन विटामिन ए न्यूट्रिशन है जो हमें वैक्सीन के साथ रूटीन में हमें उसको देना होता है. क्लियर एवरीवन? तो विटामिन ए स्टोर यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा. और विटामिन ए मतलब रेटिनॉल है, रेटिनॉल का एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा रेटिनॉल, और रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन मिलके यहाँ पे हमें बना के देंगे रोडोप्सिन. ओके तो यहाँ पे रोडोप्सिन दिखा है. वैसे यहाँ पे कोन्स में हो गए कलर पिगमेंट.
क्लियर एवरीवन। तो 11 स्विस रेटिनॉल प्लस कोटोप्सिन से बन गया रोडोप्सिन। अगर ये रोडोप्सिन को लाइट मिल गई तो ये फोटो ट्रांसडक्शन करके देगा। हमने देखा है वैसे लाइट को ये समझता है अच्छे से। तो रोडोप्सिन क्या है आपका? फोटो रिसेप्टर। कलर पिगमेंट भी क्या है आपका? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर लाइट को पहचानता है, बाकी कोई भी चीज़ें लाइट को नहीं पहचानती। जैसे एमाक्राइन सेल, गैंगलियन सेल लाइट को नहीं पहचानते, लेकिन रोड्स एंड कोन्स लाइट को पहचानते हैं क्योंकि वो फोटो रिसेप्टर है। रोड्स में होगा रोडोप्सिन, कोन्स में होगा कलर पिगमेंट। तो लाइट सीधी पड़ेगी रोडोप्सिन पे और रोडोप्सिन उसको पहचान लेगा। अगर रोडोप्सिन को लाइट मिल गई तो क्या होगा वो हमें समझना है। रोडोप्सिन को जैसे ही लाइट मिल जाती है तो ये सीस रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन जो एक दूसरे के साथ फॉर्मली बाइंड होकर रोडोप्सिन बनाते थे, इनके बीच में धीरे धीरे गैप होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली सीस रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, वो रोडोप्सिन बनाते हैं। जैसे ही लाइट आती है तो सीस रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन जो बाइंड थे वो धीरे धीरे इनके बीच में गैप होना स्टार्ट होता जाए, थोड़े थोड़े दूर जाते हैं, फुल्ली सेपरेट नहीं होते। फुल्ली सेपरेट होगा जब ये सीस फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म में। ओके, तो धीरे धीरे लाइट की वजह से उनमें गैप होना स्टार्ट हो जाता है और जो थोड़ा गैप बनता है उसको हम पहले बोलते हैं रोडोप्सिन कन्वर्ट हो गया है बाथमो रोडोप्सिन में। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। रोडोप्सिन कन्वर्ट होगा सबसे पहले बाथमो रोडोप्सिन, देन लुमड़ी रोडोप्सिन, देन मेटा रोडोप्सिन 1, मेटा रोडोप्सिन 2। तो आपको याद रखना है रोडोप्सिन कन्वर्ट होता है बाथमो रोडोप्सिन में, फिर और गैप बढ़ेगा तो बाथमो रोडोप्सिन कन्वर्ट होगा लुमड़ी रोडोप्सिन में, फिर और गैप बढ़ेगा तो लुमड़ी रोडोप्सिन कन्वर्ट होगा मेटा रोडोप्सिन 1 में, और मेटा रोडोप्सिन 1 कन्वर्ट होगा मेटा रोडोप्सिन 2 में। ये बहुत ही फास्ट होता है। जैसे ही लाइट होती है तो विद इन फ्यू सेकंड्स बाथमो रोडोप्सिन बन जाता है, फिर नैनो सेकंड में वेरी इमीडिएटली लुमड़ी रोडोप्सिन बन जाता है। वेरी इनएक्टिव और अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इन सबको ये बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ये स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, हमेशा रहता है, लाइट के आने से अनस्टेबल होकर जल्दी मेटा रोडोप्सिन 2 बन जाता है। तो विद इन नैनो सेकंड बाथमो रोडोप्सिन कन्वर्टेड टू लुमड़ी सेकंड लुमड़ी रोडोप्सिन, लुमड़ी रोडोप्सिन विद इन अ माइक्रो सेकंड कन्वर्टेड टू मेटा रोडोप्सिन, विद इन अ मिली सेकंड मेटा रोडोप्सिन 1 कन्वर्टेड टू मेटा रोडोप्सिन 2। यहां से हमें अलग से समझना है कि मेटा रोडोप्सिन 2 आ गया, ये मेटा रोडोप्सिन 2 आपका एक्टिव फॉर्म है, ये मेटा रोडोप्सिन 2 काम करेगा। मेटा रोडोप्सिन 2 क्या काम करेगा? मेटा रोडोप्सिन 2 जाके बाइंड होगा ट्रांसड्यूसिन के साथ, ओके, जो जी प्रोटीन की तरह काम करता है। तो यहां पे क्लियर सबको कि ये हो गया आपका मेटा रोडोप्सिन 2 एक्टिवेशन। तो लाइट की वजह से आइसोमराइजेशन होने की वजह से रोडोप्सिन कन्वर्ट हो गया मेटा रोडोप्सिन 2 में। कैसे हुआ? रोडोप्सिन हुआ बाथमो रोडोप्सिन, बाथमो रोडोप्सिन हुआ लुमड़ी रोडोप्सिन, लुमड़ी रोडोप्सिन हुआ मेटा रोडोप्सिन 1, मेटा रोडोप्सिन 1 हुआ मेटा रोडोप्सिन 2। मेटा रोडोप्सिन 2 एक्टिवेट करता है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन जी बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करता है, जीटीपी, और ट्रांसड्यूसिन का काम है टू एक्टिवेट फॉस्फोडाइस्टरेस एंजाइम। और फिर यहां से मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में लिया था फोटो ट्रांसडक्शन, तो पूरा सबको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसड्यूसिन आ गया जिसने फॉस्फोडाइस्टरेस को एक्टिवेट किया। फॉस्फोडाइस्टरेस सीजीएमपी को तोड़ने का काम करता है, सीजीएमपी को कन्वर्ट कर देता है, सीजीएमपी स्प्लिंट चला गया, सोडियम चैनल बंद हो गई, हाइपर पोलराइजेशन हो गया और लोकल पोटेंशियल बना, फिर गैंगुलियन सेल में एक्शन पोटेंशियल बना और ब्रेन तक पहुंचा। अभी मैं ये फास्ट ले रहा हूं क्योंकि मैंने इसके आगे का लेक्चर जो था पूरा फोटो ट्रांसडक्शन उसमें बहुत ही आराम से आपको पूरा समझाया था। बस एक ही पार्ट हमें ये बचता था कि कैसे मेटा रोडोप्सिन 2 तक हम पहुंचे, ये वाला पार्ट जो मैं डिटेल में अभी यहां पे कवर कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आगे का सबको क्लियर जैसे मैंने दिखाया वो वाला, जो इसके अगले लेक्चर में नहीं पढ़ा है आपने तो वापस सुन लेना फोटो ट्रांसडक्शन वाला चैप्टर, तो बहुत ही आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो क्लियर सबको? अभी हम इतना पार्ट ही समझे और आज अभी विजुअल साइकिल में यही हमें समझना है। ये पूरा आगे मैंने फोटो ट्रांसडक्शन में लिया है। क्या हमने देखा? लाइट आई, सीस रेटिनॉल और वो स्कोटोप्सिन मिलके रोडोप्सिन था। जैसे ही लाइट आई तो रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन के बीच में गैप बनना स्टार्ट हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना, रोडोप्सिन कन्वर्ट हुआ बाथमो रोडोप्सिन में, बाथमो रोडोप्सिन कन्वर्ट हुआ लुमड़ी रोडोप्सिन में, लुमड़ी रोडोप्सिन कन्वर्ट हुआ मेटा रोडोप्सिन 1 में, मेटा रोडोप्सिन 1 कन्वर्ट हुआ मेटा रोडोप्सिन 2 में, मेटा रोडोप्सिन 2 एक्टिव फॉर्म है जो एक्टिव करता है ट्रांसड्यूसिन जी प्रोटीन को, ट्रांसड्यूसिन एक्टिव करते हैं सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेस में, फिर आगे जो हमने देखा है उस तरह से। क्लियर? तो अगेन विजुअल साइकिल में कौन सी चीजें आपको समझनी है कि रोडोप्सिन पिगमेंट है, रोडोप्सिन बनता है स्कोटोप्सिन से और 11 स्विस रेटिनॉल से। 11 स्विस रेटिनॉल क्या है? ये रेटिनॉल का एल्डिहाइड फॉर्म है। स्कोटोप्सिन क्या है? ये प्रोटीन है। स्कोटोप्सिन किससे किसके बाइंड होता है? स्कोटोप्सिन बाइंड होता है 11 स्विस रेटिनॉल से, नॉट विथ ट्रांस रेटिनॉल। क्या डिफरेंस होता है स्विस रेटिनॉल और ट्रांस रेटिनॉल में? स्विस रेटिनॉल एंड ट्रांस रेटिनॉल केमिकली सिमिलर,
बट फिजिकली डिफरेंट, दोनों के केमिकल सेम है, फिजिकल अलग अलग है। फिजिकल अटैचमेंट स्कोटोप्सिन और स्यूस रेटिनल का होता है, इसकी वजह से रोडोप्सिन होता है। जैसे ही लाइट आती है मेटा रोडोप्सिन 2 बनता है और फिर पूरा पाथवे होके हाइपर पोलराइज होके आपको ब्रेन में अंडरस्टैंड होता है। बाद में मेटा रोडोप्सिन 2 ने अपना काम कर दिया, इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद मेटा रोडोप्सिन 2 टूट जाता है, क्योंकि ये दोनों में गैप बढ़ रहा है। धीरे धीरे गैप फुल बढ़ गया तो क्या होगा, स्कोटोप्सिन अलग हो गया और गैप बढ़ने के बाद जो सेपरेट हो गया उसको हम बोलते हैं ट्रांस रेटिनल। क्योंकि ट्रांस रेटिना स्कोटोप्सिन कभी भी बाइंड नहीं रहते, ये दोनों हमेशा बाइंड होते हैं फर्मली। धीरे धीरे गैप बना, ये सारे स्ट्रक्चर में गैप बहुत ही बढ़ गया तो दोनों सेपरेट हो गए, स्कोटोप्सिन वापस अलग हो गया, ट्रांस रेटिनल अलग हो गया। अब आपके पास ट्रांस रेटिनल है, अगर आपने ट्रांस रेटिनल को कन्वर्ट कर दिया सिस रेटिनल में तो वापस बाइंडिंग हो जाएगा और वापस आपको पिगमेंट मिलेगा, तो वापस आप देख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास रोडोप्सिन नहीं है, पिगमेंट नहीं है, तो आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, तो आपको ट्रांस रेटिनल को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा सिस रेटिनल में। इज देयर एनी एंजाइम विच कन्वर्ट्स ट्रांस रेटिनल टू सिस रेटिनल, तो आंसर आएगा यस, द एंजाइम इज आइसोमरेज एंजाइम। तो आइसोमरेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा आपका ट्रांस रेटिनल को सिस रेटिनल में। और लेकिन आपको याद रखना है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस की वजह से ट्रांस रेटिनल धीरे धीरे कन्वर्ट होता है सिस रेटिनल में। ओके, ट्रांस रेटिनल धीरे धीरे कन्वर्ट होता है सिस रेटिनल में। क्लियर एवरीवन? तो ट्रांस रेटिनल आइसोमरेस एंजाइम सिस रेटिनल में कन्वर्ट किया, लेकिन ये बहुत देर से हुआ, धीरे धीरे हुआ। ओके, लेकिन आपको याद रखना है कि ये धीरे धीरे होगा तो बहुत देर बनेगी रोडोप्सिन में, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या कोई और सोर्स है? हाँ, हमेशा ये फास्ट पाथवे सिस रेटिनॉल को आप कन्वर्ट कर सकते हो सिस रेटिनॉल में, और ये हमेशा होता है विटामिन ए, तो दैट्स वाई विटामिन ए स्टोर्ड फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो आइसोमरेज एंजाइम की वजह से रेटिनॉल होगा और ये इमीडिएटली, तो हमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तो ये टूटा फिर ये सब बना फिर इकट्ठा हुआ फिर धीरे धीरे हुआ। विटामिन ए तो आपको कांस्टेंट सोर्स मिलता जाएगा और रोडोप्सिन की वजह से आपको अच्छे से आप देख पाओगे। ओके, और रोडोप्सिन की वजह से आप अच्छे से देख पाओगे। क्लियर एवरीवन? अब आपको क्या समझना है कि आपको कब रोडोप्सिन हाई अमाउंट में चाहिए, डे में कि नाइट में? तो आंसर आएगा नाइट में, क्योंकि डे में तो बहुत ही ज्यादा लाइट होगी, थोड़ी लाइट से भी रोडोप्सिन, अगर थोड़े रोडोप्सिन भी है, मान लो थोड़ा रोडोप्सिन भी है, तो डे में तो बहुत ज्यादा लाइट होती है तो रोडोप्सिन को वो आसानी से स्टिम्युलेट कर देंगे। ओके, मान लो आपके पास 10 रोडोप्सिन ही है, ओके, लेकिन आपको कोई बड़ा पैसा दे रहा है तो आपके 10 के 10 लोग काम पे लग जाएंगे, वही चीज है डे में। लेकिन नाइट में क्या होता है, नाइट में पैसा खाली हो जाता है, ठीक है, नाइट में मान लो बड़ा पैसा नहीं है, 2 रुपया 3 रुपये ही मिल रहे हैं, तो कौन काम करेगा उसके लिए? ओके, तो डे में तो हाई अमाउंट सैलरी है, मान लो 1 लाख की सैलरी है, तो 10 लोग थे तो 10 के 10 ने रोडोप्सिन में काम कर दिया। लेकिन नाइट में दिक्कत होती है, नाइट में आप 1 लाख की जगह 10,000 रुपये देते हो, अगर आप 10,000 रुपये दोगे और 10 लोग होगे तो वो काम नहीं करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 100 लोग 200 लोग है और आपने 10,000 भी दिए तो 100-200 में से कोई ना कोई तो काम करके आपको काम करके देगा। तो कंसेप्ट ये है कि नाइट में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ रोडोप्सिन फॉर्म करके देने पड़ेंगे, तभी ये लाइट सारी, क्योंकि लाइट में बहुत ही थोड़ी लाइट मिलने वाली है, तो एक रोडोप्सिन थोड़ा कलेक्ट करेगा, दूसरा रोडोप्सिन थोड़ा कलेक्ट करेगा, तीसरा रोडोप्सिन थोड़ा कलेक्ट करेगा, सारे रोडोप्सिन मिलेंगे, सारे इकट्ठा होंगे, लाइट को कलेक्ट करेंगे और फिर ये टेम्पोरल समेशन करके एंड स्पाशियल समेशन, टिपिकली इसको हम स्पाशियल समेशन बोलेंगे क्योंकि पूरी पेरिफेरी का समेशन होगा, ये आपको अगेन CNS में चला होगा टेम्पोरल स्पाशियल। अगर पूरा स्पेस हम ऐसे कवर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्पाशियल समेशन, एक ही चीज़ को हम बार बार स्टिम्युलेट करते हैं तो टेम्पोरल समेशन बोलते हैं। जैसे मैं एक ही व्यक्ति को 10 बार कुछ बोलता हूँ तो वो होगा टेम्पोरल समेशन, लेकिन मैं 10 अलग अलग व्यक्ति को एक चीज बोलता हूँ तो वो होता है स्पाशियल समेशन। ओके, मुझे तो 10 बार बोलना ही पड़ता है, ठीक है, तो स्पाशियल समेशन की वजह से ये होता है। स्पाशियल समेशन की वजह से आपको बहुत सारे रोडोप्सिन रखने पड़ेंगे तभी ये आपको कन्वर्ट करके देगा। बहुत सारे रोडोप्सिन आपको नाइट में रखने पड़ेंगे, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आपने देखा। इसकी वजह से अगर आपके पास विटामिन ए नहीं है तो आप लार्ज अमाउंट में रोडोप्सिन नहीं बना पाओगे और नाइट ब्लाइंडनेस होगी। तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, सो दिस इज द क्लियर कंसेप्ट। मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में विटामिन ए इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, लेकिन सबसे पहले मैंने बोला था सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगी, फिर बहुत बड़ी अमाउंट में दिक्कत होगी तभी ये नाइट ब्लाइंडनेस आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी फुल ब्लाइंडनेस में। तो व्हाई विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, सबको क्लियर? क्योंकि नाइट में
रोडोप्सिन आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि नाइट में लाइट लेस है, तो सारे रोडोप्सिन मिलके स्पाशियल समेशन करके ही आपको मेटा रोडोप्सिन 2 बना के देंगे और कुछ दिखेगा। तो सारे रोडोप्सिन को मिलके काम करना है, स्पाशियल समेशन करना है, बहुत सारे रोडोप्सिन बनाने जरूरी है। बहुत सारे रोडोप्सिन तभी बना पाएंगे जब हमारे पास विटामिन ए अवेलेबल हो, तो क्योंकि स्कोटोप्सिन हमेशा अवेलेबल होता है, जो खाली हो जाता है वो सिस रेटिनॉल है। अगर विटामिन ए स्टोर फॉर्म में है तो हमेशा ये मिलता रहेगा और आप देख पाओगे और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। लेकिन विटामिन ए नहीं होगा तो आपके पास ओनली यही सोर्स होगा कि आप ट्रांस रेटिनॉल को कन्वर्ट कर दो सिस रेटिनॉल में और बाद में रोडोप्सिन बनाओ। ये पाथवे बहुत ही स्लो है, प्लस नाइट में आपको ये लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो ये स्लो पाथवे इतनी लार्ज अमाउंट बना के नहीं देता, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। डे में काम चल जाता है, क्योंकि डे में धीरे धीरे इसने थोड़े ही रोडोप्सिन बना दिए, तो थोड़े रोडोप्सिन भी डे में इनफ है, क्योंकि डे में लाइट इनफ होती है और एक रोडोप्सिन भी अपना काम करके देता है। और डे में आप क्लियरली समझो कि डे में यूजुअली आपको ये रोडोप्सिन चाहिए ही नहीं। डे में तो मेनली आपका कौन काम करेगा, कलर पिगमेंट। डे में तो रोडोप्सिन का इतना बड़ा रोल है ही नहीं, तो ये नाइट में इसका रोल है, इसलिए हमें ये समझना है। डे में तो हमें कौन से कलर पिगमेंट समझना है, उसको हमें डिटेल में पूरा नहीं पढ़ना है, आपको यही समझ लेना है, इससे ही आपको पूरा कलर पिगमेंट बन जाएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट आपको हमेशा यही आती है रोडोप्सिन वाली, यही आपको मेंशन करना है। अब हमें वही समझना है कि कौन या कलर पिगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको वही समझना है कौन या कलर पिगमेंट में भी ये स्कोटोप्सिन की तरह कोई होता है और रेटिनॉल की तरह क्या कोई होता है। तो चेंज जो होता है वो ओनली एंड ओनली स्कोटोप्सिन पार्ट में होता है, सिस रेटिनॉल तो कलर पिगमेंट में भी रहता है। तो चाहे आप रोडोप्सिन मतलब रोड्स की बात कर रहे हो या आप कलर पिगमेंट की बात कर रहे हो, दोनों में सिस रेटिनॉल होता है। क्या डिफरेंस बचा, क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, यहाँ पे होता है स्कोटोप्सिन, वहां पे होता है फोटोप्सिन। तो रोड्स में आपको मिलेगा स्कोटोप्सिन, कोन्स में आपको मिलेगा फोटोप्सिन। स्कोटोप्सिन और रेटिनॉल मिलके बनता है रोडोप्सिन, फोटोप्सिन और रेटिनॉल मिलके बनता है कलर पिगमेंट। तो क्या कलर पिगमेंट का कोई नाम है, तो तीन अलग अलग, मैंने बार बार बोला मैं आपको दिखाऊंगा, अब मैं आपको वो तीन नाम दिखाता हूं। तो वो तीन नाम ये वाले है, पोर्फिरियोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड साइनोप्सिन। ये याद रखोगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी आपको 50% मार्क मिल जाएंगे, ओके। लेकिन आप याद रख रहे हो तो अच्छा, हाई स्कोरिंग होगा, प्लस 1-1 मार्क में आ सकते हैं। व्हाट इज पोर्फिरियोप्सिन, व्हाट इज आयोडोप्सिन। तो व्हाट इज पोर्फिरियोप्सिन, पोर्फिरियोप्सिन मतलब रेड कोन्स का पिगमेंट, क्योंकि कोन्स में भी हम आगे दिखेंगे कलर विजन में कि कोन तीन तरह के होते हैं, रेड कोन, ग्रीन कोन एंड ब्लू कोन। रेड कोन के पिगमेंट को हम बोलेंगे पोर्फिरियोप्सिन, ग्रीन कॉर्न को पिगमेंट को हम बोलेंगे आयोडोप्सिन और ब्लू कॉर्न के पिगमेंट को हम बोलेंगे साइनोप्सिन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पोर्फिरियोप्सिन, पोर्फिरियोप्सिन मतलब फोटोप्सिन प्लस सिस रेटिनॉल। तो फोटोप्सिन प्लस सिस रेटिनॉल मिलके बना आपका पोर्फिरियोप्सिन, वैसे ही सिस रेटिनॉल प्लस फोटोप्सिन मिलके बना आपका आयोडोप्सिन, ओके। तो फोटोप्सिन अलग अलग होते हैं, तो जैसे रोड्स में वर्ड है स्कोटोप्सिन, वैसे कलर पिगमेंट में वर्ड है फोटोप्सिन। तो स्कोटोप्सिन एंड फोटोप्सिन। फिर यहाँ पे रोडोप्सिन, तो कलर पिगमेंट में क्या वर्ड, पोर्फिरियोप्सिन, आयोडोप्सिन, साइनोप्सिन, ओके। तो ये दोनों सिमिलर आपको समझ लेने, ओके। तो स्कोटोप्सिन के सामने है फोटोप्सिन, रोडोप्सिन के सामने है ये तीन। रोडोप्सिन के सामने रेड वाला होगा पोर्फिरियोप्सिन, रोडोप्सिन के सामने ग्रीन वाला होगा आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन के सामने ब्लू वाला होगा साइनोप्सिन। तो ये तीन ही चीजें याद रखनी है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, रोड्स का ही आपको लिख देना है। क्लियर एवरीवन, कलर पिगमेंट में यही चीजें आपको अलग है जो आपको अलग से याद रखनी है। आपको यही याद रखना है स्कोटोप्सिन वाला पार्ट अलग है, प्रोटीन वाला पार्ट अलग है, वाइल रेटिनॉल तो वही है, प्रोटीन वाला पार्ट में स्कोटोप्सिन की जगह फोटोप्सिन होते हैं और ये तीन अलग अलग पिगमेंट मिलते हैं। आप लिखते हो तो एलोबरेट करके हायर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये मैंडेटरी तीन नाम नहीं है याद रखने के लिए, लेकिन हाँ शायद एक मार्क में आ सकता है, तो आप याद रख लो तो वेरी गुड फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट विजुअल साइकिल। तो अभी हमने फोटो ट्रांसडक्शन और विजुअल साइकिल पूरा समझ लिया है, आगे हम कलर पिगमेंट समझेंगे, ओके। क्लियर एवरीवन।